हाय गाइस, सो फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई हूं, फैमिली के साथ आ गई हूं और ढाई महीना मैं मुंबई में ही थी एंड मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे कब दिल्ली अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिली के पास जा पाऊंगी. सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जो टाइम मैंने मुंबई में गुजारा, बट आई थिंक that was more of having patience, learning patience and self care जो होता है वो मैं शायद मैं सीख पाई. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे दोनों साइड का लाइफ जीने का थोड़ा मौका मिला, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एंड आई होप कि ऐसा दोबारा कभी लाइफ में ना हो. जो पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं या जो कोरोना आ गया है, आई डोंट वॉन्ट कि दोबारा हो. सो दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि मैं जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था वो भी इससे गेन किया, टू हैव द पेशेंस एंड हैव सेल्फ केयर. एंड नाउ आई एम हियर इन दिल्ली विद माय फैमिली फाइनली एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई कुड एटलीस्ट बी विद देम नाउ एंड रेस्ट जो भी टाइम होगा जब तक ये लॉकडाउन अपलिफ्ट नहीं होता है तब तक मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी एंड I'll cook for them and जो भी मतलब help them and play with them. So सब कुछ मतलब I was just craving for that कि मैं life family के साथ भी गुजारूँ. So that is it. And about the travel, जो सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल था, because initially what happened, मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे मतलब आप बहुत skeptical हो जाते हैं कि क्या होगा फ्लाइट में और कैसे आप जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं. तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, मैं अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया था. आई हैव रिटन द मैसेज, प्लीज़ टेल मी एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि प्लीज़ टेल मी कि कैसे आप लोग, अगर कोई गया है तो कैसे गया है एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स लोग गए हैं या आपके फैमिली मेम्बर गए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, कितना कुछ उससे पहले यू नो टेक केयर करने की ज़रूरत है. तो थैंकफुली आई हैव गुड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सजेशंस दिए एंड दे टोल्ड मी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं और क्या 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 सिचुएशन है राइट नाउ, ऑल दैट दे टोल्ड मी एंड आई टुक केयर ऑफ दैट. एंड जितनी भी गाइडलाइंस थी प्रॉपर जो मैंने फ्लाइट बुक की थी, सो पहले तो मैंने थर्ड की फ़्लाइट बुक की थी तो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल. थर्ड को साइक्लोन आ गया, बिकॉज इनिशियली क्या हुआ था कि पेरेंट्स ने मना कर दिया था बाय रोड आने के लिए. दे सेड कि इट कैन बी रिस्की एंड बाय रोड इतना लंबा सफ़र, सो दे सेड नो टू दैट. सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं फ़्लाइट जैसी खुलेगी तो मैं चली जाऊंगी. सो थर्ड की मैंने फ़्लाइट बुक की, बट आई डिडंट नो कि उस दिन साइक्लोन आ जाएगा एंड आई इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. आई वाज लाइक ओ शिट, अगर फ्लाइट इसके बाद चली नहीं या क्या हो गया तो मैं बहुत ही सैड हो गई थी उसके बाद. बट थैंकफुली फिफ्थ को एक्चुअली आई केम हियर बिकॉज मेरे भाई का बर्थडे भी था फिफ्थ को. सो मैंने कहा नो आई कैन नॉट मिस इट एंड हैव टू बी देयर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑल्सो एंड मेकिंग केक. एंड सो फिफ्थ की मैंने फ़्लाइट ली एंड मॉर्निंग की फ़्लाइट ली एंड आफ्टरनून तक आई वॉज हियर दिल्ली में. एंड होल एक्सपीरियंस वॉज इट वॉज अ साईफाई फिल्म टाइप मुझे फील हो रहा था, बिकॉज वॉट आई टुक केयर ऑफ लाइक ग्लव्स एंड मास्क एंड आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए और यू हैव टू कीप अ सर्टन लेवल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल जो कि आपको हमेशा मेंटेन करना है. यू नीड टू सैनिटाइज योर हैंड्स एंड मैंने जो गाइडलाइंस थी वो पढ़ी थी प्रॉपर. तो उसमें ये था कि आप कितना केजी सामान लेके जा सकते हो और क्या क्या उसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है कि आप स्टिकर खुद से लगा करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. यू नो नोबडी इज़ कमिंग रियली टू हेल्प यू आउट बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू टच योर स्टफ. तो ये सब चीज़ें थी एंड बट फाइनली थैंकफुली एंड आई टुक केयर ऑफ वन मोर थिंग कि मैंने कैब नहीं ली एंड आई कॉल्ड अप माई ड्राइवर बिकॉज वो मेरी ही गाड़ी है, मुझे पता है वो सेफ जगह पे है. एंड माई ड्राइवर वॉज ऑल्सो फाइन. आई आस्क्ड हिम बिफोर कि आप सही है ना, कोई आपके आस पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. दैन आई कॉल्ड हिम अप एंड उनको मैंने बोला कि आप मुझे मेरी गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़ दो. सो ऑल दीज मेजर्स बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगर मैं कैब करती हूँ तो कौन बंदा आएगा और वेदर ही इज़ कोरोना पॉजिटिव और नॉट. सो वो एक डर था जो मेरे दिमाग में था. तो दैट इज़ वाई एंड जब मैं यहाँ आई
दिल्ली में, तो माई डैड केम टू पिक मी अप. सो दैट वॉज ऑल्सो गुड, बिकॉज कोई भी कैब के थ्रू भी आपको कोरोना हो सकता है, तो वो बहुत ही अगर ऐसा हो गया, बिकॉज यू नो जो होम फूड डिलीवरी वाले लोग हैं या इन सब के थ्रू कोरोना काफ़ी फैल रहा है. सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ दैट. सो थैंकफुली डैड ऑल्सो केम टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, एंड मैं फिर घर आई. एंड इन द फ्लाइट इट वॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि साईफाई फिल्म जैसा था. आई विल टेल यू होल जर्नी. तो मैं एंटर की एंड मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया एंड थैंकफुली मैं टैग लगा के गई थी. एंड उसके बाद दे गेव मी दिस टिकट. एंड बिकॉज मैं ज़िंदगी में पहले कभी भी 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर नहीं पहुँची. सो दिस टाइम आई हैड लॉट ऑफ टाइम एंड मैंने सोचा चलो ठीक है मैं लाउंज में बैठ जाऊँगी एंड आई ईट सम गुड फूड देयर. बट वहाँ पर भी आई टेल यू दिस, देर वॉज जस्ट वन लाउंज ओपन. मैं इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थी एंड वन लाउंज वॉज ओपन एंड वहाँ पर भी सारी सीट्स में एक एक गैप दे करके इट वॉज प्लेस्ड. बीच में कुछ इट वॉज रिटन नॉट टू बी यू नो यू डोंट हैव टू सिट हियर. तो एक एक जगह छोड़ छोड़ करके लोगों का बैठना अलाउड है. बट वहाँ पे भी वेरी लेस पीपल वर देयर. इडली सांभर द फूड दे गेव मी, आई डैड नेवर एवर इमेजिन कि मैं वहाँ पे जाकर के इडली सांभर मुझे खाने को मिलेगा. सो बट दिस वॉज अ जर्नी एंड एंड आई टुक केयर ऑफ कि मैं अच्छी फ्लाइट लूँ. सो आई टुक दिस फ्लाइट विच इज़ अ गुड फ्लाइट जिसको माना जाता है विस्तारा. आई डोंट नो वेदर आई एम अलाउड टू टेक द नेम्स, बट आई टुक दिस फ्लाइट एंड बिकॉज ऑफ द क्लिनलीनेस एंड ऑल कि आई नो कि सब कुछ सेफ ही होगा उसमें. दैट किट आई एम वेयरिंग पीपी किट. सो दैट किट वो वहीं पे ही जैसे आप बोर्ड करते हैं फ्लाइट वहाँ पे आपको वो किट वो लोग दे देते हैं एंड विद अ फेस शील्ड. सो ऑल दैट वॉज गिवन देयर ओनली. सो आपको बहुत ज़्यादा घर से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं या इम्यून आपका थोड़ा भी कम है या आपको लगता है डर है तो आप घर से ही लेके चले जाइए, वरना वहाँ पे इट इज़ टेकन केयर ऑफ ऑल्सो. एंड आई केम हियर दिल्ली में इट वॉज मतलब इतना रश नहीं था जितना नॉर्मली आपको बहुत फिल्ड दिखता है एयरपोर्ट. मुंबई एयरपोर्ट भी दिल्ली एयरपोर्ट भी कम लोग थे एंड एवरीबडी वॉज वेयरिंग मास्क ग्लव्स दैट किट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड कीपिंग डिस्टेंस ऑल्सो. बट आई एम फाइनली हैप्पी दैट आई एम हेयर एंड मुझे देख करके काफ़ी सारे लोग अभी इनकरेज हुए हैं दैट आई हैव रीच्ड हियर सेफ एंड साउंड. सो मेरे को बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि हाउ डिड यू गो देयर एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो, तो हमें क्या करना चाहिए. सो आई एम हैप्पी कि लोगों को अब और डर नहीं लग रहा है बिकॉज दे नो कि उन्हीं के बीच में से एक लड़की है जो गई है एंड शी इज़ क्वाइट सेफ देयर एंड शी हैज़ रीच सेफली. एंड उन लोगों ने टैग भी दो आई एम हियर क्वारंटीन में ही क्वारंटीन एज इन कि आई एम सेल्फ क्वारंटीन माई सेल्फ, मुझे टैग जो होता है वो नहीं लगाया है. बट स्टिल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड आई एम नॉट यू नो गोइंग क्लोज टू माई फैमिली दैट मच राइट नाउ. जब ये जो क्वारंटीन है वो निकल जाएगा, जो भी 14 डेज का क्वारंटीन होता है, उसके बाद आई विल बी मोर प्लेइंग विद माई फैमिली एंड मिंगलिंग मोर आई थिंक. सो या दैट्स इट. आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग मैनी कॉल्स एंड मैनी मैसेजेस कि टू गाइड देम एज वेल एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू गाइड देम एंड आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि बाकी सब मेरे जो दोस्त हैं बाकी सब जो लोग हैं वो भी अपनी फैमिली से थोड़ा इनकरेज होके एंड फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के अपनी फैमिली से इतने टाइम बाद मिलने जा पाएंगे. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सेफ्टी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है. ग्लव्स मास्क एंड सैनिटाइजिंग थोड़ी थोड़ी देर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी आप किट पहनेंगे आप वहाँ पे उसको डिस्पोज करके ही घर पे आइएगा बिकॉज उसमें काफ़ी जर्म्स हो सकते हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई एम हैप्पी आई एम होम एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचें एंड आप अपने घर पहुँच के सेफ रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ रखें. थैंक यू सो मच.